करिया हो राम ये गाना शांति बना के रोग रस वीर रस थोड़ा सा भक्ति रस कहीं मिल जाइए और हास्य रस कभी पुट जगह जगह पर मिल जाए। हाँ तैयारी में रहा भाई। क्या बलियान बलिया की माटी में खाटी बगावत नहीं शान शहन की आदत पुरानी गौरा में लोर थे बोहा में समरू यादा शिरोमणि हुए स्वाभिमानी बामरी सुगवली कथा भूप बहसी की बेटी सती की चढ़ी थी जवानी ससुर ना कहूंगा प्रण कर लिया था कि बेटा बहादुर था भीमनी तूफानी। भैया देखा लोरिकायन लोग लोरकी में बतावलन केहू सुगवली कहला केहू सुहवल कहला। सुगवली का राजा बामरी का बिटिया का नाम सतिया और बेटवा का नाम बिमली। मुंह में छेद में का तू कुछ सुनबा हुआ उन्हीं का भीमली बेटवा का नाम। भीमली अपने जमाने का विश्वविख्यात पहलवान रहा। दुनिया में चैलेंज कर दे रहन भीमली की जेकर मन करे वो पहलवान आके हमसे पंजा मिला सकल। आ अपने बेटवा के शक्ति पर राजा बामर के घमंड हो गई तो वो ऐलान कर देहलन कि हम दुनिया में केहू को ससुर बनब बनब नहीं। ये तनी सा गलती ऐलान कैलन। आ यहू से बढ़ के गलती ई ऐलान करा देहलन कि जब तक हमारी बिटिया सतिया का शादी ना हो तब तक से हमारे राज्य में केहू का बहन बिटिया के हमारे नगर में केहू का बहन बिटिया का शादी होवे के ना चाहिए। यह गलती कर देहलन। भीमली भी अपने बाबू का प्रतिज्ञा से खुश होके ऐलान कर देलन कि जब दुनिया में बाबू केहू को ससुर ना बने तो हमू केहू के सार बनब बनब नहीं। इनका ऐलान हो गई कि हमार बहन वही उहे बन सकेला जी हमार गर्दन काट के हमारे खून से हमारी बहन के मड़वा का चौका पुरवाई। तो मतलब जो उनके मुआई उनकर बहन वही बनी तो जब मरी जाए तो सार के कर बनी उनकर तो ऐलान ठीक है भाई। एक लाइन यहाँ कौवाली लग गई मास्टर नीचे तनि बढ़ जा। उहे कौवाली लगल जो सुन ला उहर कि बता दे बता दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये तो गीत सुनबे करला लेकिन गाना के अंदर भाव बा। ऐलान चारों तरफ भीमली का गुजर बात कहनाम भइल कि बहादुर बहादुर सह नहीं सकते किसी की शान की बात बहादुर सह नहीं सकते किसी की शान की बात बहादुर सह नहीं सकते किसी की शान की बात बहादुर सह नहीं सकते किसी की शान की बात। तो बहादुर सह नहीं सकते किसी की शान की बात अब किसी की शान की बात। तो चुनौती चुनौती चुन लेते हैं वो सुनी अभी मान की बात चुन लेते हैं वो सुनी अभी मान की बात। देखा भीमली का ऐलान का बाम स्वर संगम पर मास्टर। हाँ ए भैया ए के भीमली पामर का बेटा था गया प्रतिज्ञा भारी जब तक ना बहना ब्याह
पूरा कर मन बलोहू से पुताई जंगा के हर सुगाड़ी सतिया की मांग से जाई बर्दाश्त किया ना लोरिक अजय से कहा सुनाई भैया को जब समझावो सतिया भाभी बने आई भैया ऐलान तो भीमली का गुजर बा चारों तरफ एक तरफ एक दिन आ जाई आ लोरिक दोनों जने अखाड़े पर बैठ के कुछ बतियावत रहे बातचीत के दौरान है बेटा शांति बातचीत के दौरान लोरिक अजय से कहलन कि गुरु बड़का भैया समरू का ब्याह करा देता तो रोट समय से दो रोटी हमारे दोनों भाई के मिली था यही बदे तो हम कहते हैं अजय कहलन कि तुम्हारी भैया के लायक दुल्हन हम देखले हैं आ यदि तू तैयार हो वा तो बिना लगन पताई रखवावले बिना दिन बारी रखवावले हम ब्याह करा दे बिना दहेज का यह पट्ठा रजिस्टर मेंटेन करी जाके वहाँ कहलन कि हम ब्याह करा दे लेकिन तू तैयार होवा तब आ तुहार विचार हो तो तुहरे भैये का ना ही तुहरे गांव का तुहरे गांव के अगल बगल के जितना हट्ठा कट्ठा नवा कुंवर कुंवर बाणन चाहे कोनो बिरादरी को हो हर बिरादरी के नवहन के कुंवरन का ब्याह हम करा दे वहाँ लेकिन तनी लोहा तुहे गरम करे के हो सारी बात अजय बतौलन लोरी कहलन कि तैसन लोहा तो हम चाहिला तनी सब बड़का भैया के समझा ला अगर तैयार हो जालन तो हम चले बदे तैयार ही बारात लेके आखिरकार अजय सौरू भैया के समझौलन आ जब सौरू भैया तैयार भेलन तो लोरिक अपने बड़का भैया सौरू के दुल्हा बनौलन आ छाँट छाँट के आस पास के क्षेत्र से नगर से जितना कुंवर कुंवर हट्ठा कट्ठा नवा रहलन उल्हने के बारात में लेके चल दलन अपने संरक्षक बन के बारात के चलन तो गीत लग गई हाँ वह तर्ज लग गए मास्टर जब बजा दलन कि सब कुछ बताऊंगा कुछ ना छिपाऊंगा तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा मैंने किया है तुमसे प्यार वह मेरा दिल तेरा यार लेकिन सज के बारात चली सज के बारात चली जंगी जमात चली जबरी सगाई बदे लेके सौगात चली सागर पर तमु दिए जान हो बाजे मारू अब जनवा सागर पर तमु दिए जान हो बाजे मारू सागर पर तमु दिए जान हो बाजे मारू अब जनवा सागर पर तमु दिए जान हो मारू अब जनवा सागर माने होला समुद्र लेकिन समुद्र के किनारे तमु ना पड़ल रहा सुगौली नगर के बाहर एक खेत तालाब रहल पोखरा हो वही पोखरवा का नाम रहल सागर सागर तालाब के किनारे लोरी के बरात के तमु पड़ गई बाजा बजत बा ब्याह के बाजा का आवाज जब राजा बामर के कान में पड़ल तो सोच गए कि ये भाई आज हमार बेटा भीमली अपना ससुरारी गई बा आ तो बोले कौना का मऊत का पारे बागे नाचे लगल की अपनी बेटी के ब्याह करे बदे बारात मंगा ले तो बेटा भीमली तो गई बा ससुरार लेकिन इनके बदे तो हम ही काफी हैं तुरंत नौकर के बोलोलन कलन तनी पता लगा ला अरे सागर भैया बामर क्रोध बढ़ाया है और दूत को तुरंत पठाया है कहा कौन बेहुदा है आया और शादी का बाजा बजवाया दूती आदेश पागे दूती आदेश पागे सागर पे देखा जाके कैसी बाराती आई लोरिक से पूछा जाके कहा तेरा घर द्वार हो बजे मरुआ बज बजनवा नौकर चलल सोचलस पता लगाई कैसे पूछी के बारात का मालिक है एक जगह पर आ जाइए लोरिक दोनों जने बैठ के बतियावत रहे सोच गए नौकर कि यही दोनों जने में से केहू न केहू मलिकार होई जाके कहलस नौकर कि ये बाबू एक बारात का मालिक के है
लोरी कहलन कि हम ही तो हई, कहलन कि तू ही मलिका रहुआ ते भैया, हे बजवा बंद कराब, आज यहाँ बारात लेके जाए के वहाँ लेके बारात चल जा, यह नगर में ब्याहे का बाजा ना बजेला, जबले राजकुमारी सतिया का ब्याह ना हो जाए तबले तो केहू के बहन बिटिया के मांग में सिंदूर पड़ी ओड़ी। तुहार का नाम है, कहाँ तुहार घर है, बड़ा मन सरंग देखावत हुआ। लोरी कहना कि अरे यार ये कै सांस में कई छह सवाल पूछबा का, जानल चाहत हुआ कि हम के हैं, बारात कहाँ से आई बा, कहाँ जाई, कसूरा बतावत है, कहा बताओ ना लोरी बढ़त नहीं। वह गीत लग गई कि अरे अखिया मिलावा अखिया मिलावा यावा गरवा लगावा हमार बलम। तनी सा स्थाई कर दिया जला तो वो गीत बन जाले कि चेत लगा नवा सैया ले लगा नवा हमारा साध लागेला, तनी गोदिया में बैठा ला हमारा साध लागेला। तो देखा गीत तरह तरह के होला, लोरिक बतावे लगलन कि हमार का नाम हो, बारात कहाँ से आइल बा, कहाँ का रहे वाला है, बारात कहाँ जाए, सब कुछ बतावत है। कहाँ बताओ लोरिक कि अरे गौरा नगरिया के गौरा नगरिया से आइल बा बरतिया हमार नीता ये हमार नीता, और अरे दुल्हा बनल बड़का भैया रंगदार नीता, दुल्हा बनल बड़का भैया रंगदार गौरा से बरात आइल बा, हौ जौन दुल्हा देखत हुआ वो हमार बड़का भैया सौरू हुआ, उन्हीं का भाई हम लोरी खई, आए बदे बरात लेके आइल हई, कहीं दूसरी जगह ना जाई, यही नगर में बरात आइल बा, के करी यहाँ आइल बा, काहे बदे आइल बा इहो बताओ थे। कहलन की सुनीला की सतिया बदे बेटी सब कुंवार बा, अ तुहरे राजा नवाम कप्राण बरियार बा, सुने में आईल हमें कि तुहरा राजा का कसम बा कि दुनिया में केहू के ससुर बनिया वो नहीं हम, अब भीमली राजकुमार का प्रतिज्ञा बा कि दुनिया में केहू के सार ना बनी हम, हम यह एलनवा वाली बतिया सुन के बारात लेके आईल है, ब्याह होई हमें होई कैसे होई बतौलन कि सुनीला की सतिया बदे बेटी सब कुमार बा, अब तुहरे राजा नवा का प्राण बरियार बा, अरे बामर बनी है ससुर भी मली बनी है मोरे सार रंगदार नीता, रंगदार नीता, अरे डोला जाई तुहरी बहनी का उड़ार क्या कह दा अपने राजा से, नौकर गया राजा बामर से बताया टेरी में भाव कि प्रतिज्ञा वाला साला के खोजें, दिमाग खराब बका तुहार, हम बुढ़ऊ हैं, यहाँ तो बुढ़ऊ कह दे तुआ, घरे चलने के बाद हमरी मेहरारू का सुझाव मत बतिया कि बुढ़ऊ है, अगर कह दे बता तो हितवा के बहनिया के मन में तू थोड़ कह दे भाई हैं, बुढ़ऊ हैं बुढ़ऊ मेहरारू अपने मन से धू के कहे नहीं, कौन हम तुहार मन से दू थोड़े नहीं कि हमें बुढ़ई को होते हैं, का नाम बा कि प्रतिज्ञा वाला साला के खोजे
अरे यादव वंश शिरोमणि, यादव वंश शिरोमणि लोरिक गौरा वाला प्रतिज्ञा वाला साला करी। छोड़ूंगा खा है मर्द मर्द से भेंट नहीं, यह गौरा नहीं सुगौली है, वो दुनिया से मिट जाएगा, बामर का बेटा भी मली है। अब ही मालूम ना बकाल लड़का के, हमार बेटवा गई बस ससुरारी तो चढ़ाई करे आ गिलन लोरिका बदे तो हमें ही काफी है। तुरंत राजा बामरी अपने सेनापति के बुलावलन कहलन कि रात भर के लिए मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ, रात भर में अपनी पूरी फौज तैयार कर लो, सवेरा होते होते बिल्कुल तड़के उस लोरिक के खेमे पर धावा बोलना है, आक्रमण करना है, ताकि अलसाए हुए यादवों की हिम्मत टूट जाए और वो फिर जो है दुम दबा कर भग जाए। किनारा कस ले सेनापति जाके जौन बा किला में अपन फौज तैयार करे लगल। आइए बतिया के जानकारी मिल गई के राजा बामर के बिटिया सतिया के, सतिया के छह सहेली रह जौने के नाम रहल नागिन, ओकर नाम है नागिन ना रहल, ओकर कामो नागिने के रहल, बहुत बड़ जादूगरनी रहल, जादू के बल से तरह तरह का रूप बनावे बिगाड़े जानत रहल। सतिया बोला के कलश की सखी एक काम करा कि न रहे बांस न बजे, सुतले में रतिया के जाके मैं बरतिहन के दस दस कुल मर जाए कमो में खत्म हो जाए। नगिनिया आपन नागिन का रूप बना के चल देलस बरतिहन के दस बजे तो तनी एक पति तू चल जा। वह गीत लग गई कोनो मेहरारू गंगा जी से नहा के आई रहल, घरे आके बीमार पड़ गई रहल। का भई रहल भाई, हम कोनो डॉक्टर ही कहा कि बता दें का भई रहल, आरो के भइल का रहल बतौली ताकि बीमार पड़ गई रहल, बड़ा दवाई बिरो भइल लेकिन दवाई से कोनो फायदा भइल होइल नहीं। एक जने पड़ोसिया कहला कि खाली दवा से काम ना होला तनी दुआ का भी सहारा लेवे के नहीं, पड़ोस में गरम खिलावन सोखा हूं नहीं तो बोला के तनी देखवा लेता कोनो हेर फेर होई देख दी। हाँ आखिरकार हम खिलावन सोखा बुलावल गइलन, और हम खिलावन सोखा जब लवंग में लवंग सटवलन दो चार दाई हाथ हो झटकरलन तो कहला कि बस बस भूत पकड़ा गई। कारण हा कारण बारे सोखा का साढ़ हूँ तू ढेर कारण बुझत हुआ ना, कहलन कि अब झाड़ दे ला भूत छोड़ के भाग जाई तो लगलन पचरा गावे आ कह लगलन कि ये रामा पनिया में कह बुड़ुआ ये, अरे ये रामा पनिया में कह बुड़ुआ ये, बाबा राख मरी जतिया बाण हो राम, अरे ये राम सती का सहेली नगिनिया, अरे ये राम सती का सहेली नगिनिया, दसन बरसिया चली हो राम, बाबू सगर बरतिहन के डसके मुआवली, आओ कृपा भइल माई दुर्गा जी अवली, नागिन के रूप बना के नगिनिया जाके बरतिहन के डसे लगल, माई दुर्गा के आसन हिल गई, जनात बाकी सेवक के मनसूबा पर पानी फिर जाई का, तैसन होवे न दे माई दुर्गा अपन करतूत देखावे लगले, जवने बरतिया के नगिनिया डसे माई दुर्गा बरतिया के शरीर से ओकर जहर खींचे शुरू कर ले, कहे का मतलब नगिनिया के डसले का कोनो असर पड़ल उड़ल नहीं, अंत में नगिनिया लाचार होके वापस चल देलस। माई दुर्गा पहुँचलिन लोरी के लगे एक जगह बैठल वन मनमौजी लोरी जाए के एक थप्पड़ ही गाले पर बैठल हुआ मस्ती में, नगिनिया आई हमें कितना परेशानी झेले के पड़ समझ में आवत बाम, अरे याद कर ले बेटा बिल्कुल कम समय है,
बिल्कुल तर के राजा बामर की फौज आने वाली है तुम्हारे खेमे पर धावा बोलने के लिए। मेरी बात मान ले बेटा, तो राजा बामर की फौज जब तक यहाँ आवे, तुम्हारे खेमे पर, तुम्हारे तम्बू पर, तुम्हारे सामियाने पर आक्रमण करे, उससे पहले ही तुम अपने नौजवानों को लेकर राजा बामर के किले पर आक्रमण कर दो। ललकार दिया लोरी, तैयार हो जा। अरे सगरे बरत दिहन के दस के मुआ वाला, अरे सगरे बरत दिहन के दस के मुआ वाली, तब दुर्गा, अरे कृपा भाई लमाई दुर्गा दिया वाला, अरे कृपा भाई लमाई दुर्गा दिया वाली, ये राम को धन पागल यहीरन, ये राम को धन पागल यहीरन, वाली जमतिया चली हो राम, ये राम को धन पागल यहीरन, वाली जमतिया चली हो राम, ये राम को धन पागल यहीरन, वाली जमतिया चली हो राम। चल दिए लोरी तो कहना पड़ा कि चला है नाहर गौरा, अरे कर में लिए तलवार, बाबू बीच समर में मच गया हाहाकार। हाँ, लड़ाई छिड़ गई, भीमली तो गई लेना ससुराल, लेकिन भीमली का और भाई रहलन। अरे भाई झिंगुरी दशवत कुशेला इकुल भाई रहलन भीमली का। कुशेलवा ते ना गई, लेकिन झिंगुरिया दशवता दोनों भाई गईलन से कि भैया ने खन का करे, लोरिका के खटमल के तरह धाय के मसल दिए जाए। आय के लोरिक से लड़ाई के मैदान में भिड़ गईलन, नतीजा का निकलल, अरे झिंगुरी दशवत कारण ने वहां, बाबू झिंगुरी दशवत कारण ने वहां, अब गर्दन लिया उतार हो, अरे पाय खबर तब आया भीमली, पाय खबर तब आया भीमली, मच गया हा हा हो। ए भैया, झिंगुरी दशवत दोनों लड़ाई के मैदान में लोरी के हाथों मार लेलन, कपार पकड़ लेलन, सिर पकड़ के बैठ गेलन राजा बामर, इज्जत ना बची, खबर भेजवावलन ससुराल से अपने बेटवा के, बुलवावलन भीमली के, बुलवावलन कहलन कि बेटा भीमली इज्जत ना बची, गढ़गौरा से कोनो अहिर लोरिका नाव का बा बारात लेके आइल बा, जबरी डोला लेके जाइल चाहत बा बेटा, तुहरे दुई भाई वही के हाथे मार गेलन। भीमली कहलन कि चिंता मत करे बाबूजी, अब हम जाके एक मिनट में समझाई और लोरिका जोन बटे अपन तम्मू कनात लेके भाग जाए। चल देलन भीमली, लेकिन रास्ते में सोचत हुआ कि ये भाई दुनिया में हम ऐलान के लिए कि जेकर मन करे वो पंजा मिला ले, आज तक केहू माई कलाल कोनो पहलवान हमसे पंजा मिलावे खातिर तैयार ना भई। आई लोरिका गढ़गौरा से बरात लेके आई बात, देखा एक बरात लेके आवे में दुई छे कारण हो सकेला। पहला कारण ये हो सकेला कि हमारे बारे में लोरिका के जानकारी ना हो तब अनजाने में लेके चली आई हो, आ ना ही दूसरा कारण ही हो सकेला कि जान बूझ के यदि वो अपन बरात लेके आई हो जबरी डोला फनावे बदे, एकर मतलब कि वो पानीदार मर्द होई, तब बरात लेके आई बा, तब पानीदार मर्द बा, आगे झूठे आए कि हवा बांधत बा, तनी होकर पता लगावे के चाहिए। भीमली पहुंचलन वही सागर तालाब के किनारे, ए भैया लोरी केकर नाम है? लोरी कहलन हमार नाम है। भीमली कहलन हमें चिन्हत हुआ? लोरी कहन ना, कह हमार नाम भीमली है, दुनिया में केहू माई कलाल हमसे पंजा मिलावे बदे आज तक तैयार ना भइल, अब तू बरात लेके चली ला हमारी बहन का डोला फनावे बदे भैया, तैयार पहले हम तू पंजा मिलावल जाए, यदि हमार पंजा मरोड़ दी हम हमारी बहन से शादी कर लिया, मरोड़ ना पाईबा हई तलवार देखत हुआ ना गर्दनिया काट ले। लोरी कहल की खबरदार, पहले जबान संभाल के बात करा, ब्याह हम ना कर, देखा दूल्हा वहां बैठल है, हमारे बड़का भैया का ब्याह हुई, कहना कि तुहरे बड़के भैया से हुई, आवा पंजा तो मिलावा। लोरी का टंगरी हिले लगल कि दादा हो, सुने में आवाला कि भीमलिया के गट्टा में, ठोका मत ठोके, भीमलिया के गट्टा में इतनी ताकत था कि भीमली हमारे गुरु अजय के
एक मुक्का पिठी पर मरले है कि आज तक उनकी पिठी का दर्द खत्म ना गई। हाँ गठिया धले ले हाँ। तू ही बैदगिरी करके रह लका गठिया धले रहा है। तब बड़ा गट्टा में ताकत है, अब क्या करी। फिर भी लोरी कहला कि हे माई दुर्गा, अब हमार लाज तुम्हारे हाथ में बाम। कहला ना भैया, भीमली और लोरिक दोनों जने पंजाब मिलावे लगलन। अब मिलावे लगलन तो लोरिक लोरकी खंड का गाना बात दुई लाइन लोरकी बात। जगह जगह पर जैसे लोरकी गावल जाले भिन्न भिन्न तरीका से, हमारे क्षेत्र में जैसे लोरकी गावल जाले वही तरीका से लोरकी गावत है। हाँ इतने खूबी होला लोरकी में, जैसे बिरहिया अकेले बिरहा गावेलन, आप पाँच छः जने टेरीवा होलन या अपन ललकार बनले रहलन चाहे टेरी कहलन, वही तरह लोरकी गावे वाला अकेले लोरकी गावेलन, आ ललकार बांधे वाला 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000 तक ले लोग हो जालन। तो कहे का मतलब बा कि आज के हमारी लोरकी के टेरीवा है आप लोग हुआ। अब हम लोरकी गावे जाते हैं, जा जा जहाँ जगह मिली वहाँ बेहिचक आप लोग ललकार बांध दिया, वहाँ कोताही मत करी। हाँ बस दो मिनट, दो मिनट कहाँ से स्वर दे दिला। चलो ठीक है, भइल काम कि भीमली लोरिक लग जाई सागर पर हाथ मिलाई, कहे देवान हमें जो हराई तस्वर सतिया से हो सगाई। अरे सुमिरत बदलोरिकम ए माई दुर्गा रखिले बुन्ना रे। माई हमार लाज तो ही के रखे के बाद तो दुर्गा की कृपा पाके, लोरी कटब हाथ मिला के, हिमली की बाह चढ़ा के, ढकिया के माई दुर्गा के नाम लेके लोरिक पंजा मिलौलन। एक बार एक पूरी शक्ति लगा के भीमली के बाहिज के पीछे पीछे मुसुक चढ़ा दे, मुसुक चढ़ाए के पीछे तनी सा अगवा धक्का दे के पैरवा में अंटी मार दे लोरिक, भूभुनी आ गई भीमली। तू ही फोटो खींचत रहला की भर मुहे माटी ले लेला, तू फोटो खींचत रहला ऊपर जाके मार देना आंटी जोरबा गिर गई। नतीजा निकलल, सोच गई भीमली की दादा हो जरूर पानीदार मर्द बा, आज लेके पंजा मिलावे खातिर हमसे तैयार ना भाई। नहीं पंजा मिलेबो गिरस बाहिठ के हमके धरती धरा देस, तब पानीदार मर्द का रिश्तेदारी पानीदार मर्द के यहाँ होला तब मजा रहेला। भीमली कहला कि बस 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 आगे ना, शादी हुई हमारी बहन के तुहरे भैया से, दो मिनट का मौका देते नहीं जाई हम बाबू जी से घरवा बता दी। महल में जाके भीमली आपने बाबूजी से कहलन का कहलन, तेरे कट बट भीमली की चाचा यदि हो या जाई हो आही ताई या हम लोरी का से तकबो मौका वहां पर हो आकोरी हाँ रे गो। मौका से गुहार भी बनी है, बामर की आंखें लाल हुई, फिकार है तेरी जवानी को, कुल में कलंक तू जन्म लिया रे डुबा दिया खानदानी को। मैं दोस्त दू तेरी माता को, मैं दोस्त दू तेरी माता को, या दोषी तेरी नानी है। सुनकर भीमली गदा उठा चल पड़ा वीर सैलानी है। अरे बेटा भीमलिया जल्ले होती कि तू कायर होइबे तो धाय के गर्दन नहीं ठिले ले होती मर गई होते। फिर जबान सुने के न मिला, कसम खैला आप कसम तोड़त हुआ मर्जी बा हमें कबूल बा जा, लेकिन जियते माछी घोटे एक बदे हम तैयार है वही। कहलें कि ठीक बा बाबू, अब तो हम जाते हैं चाहे मरब चाहे मारब, दू में से एक काम हुई। आइलन भीमली लोरी के सामने आए के कहला कि ए भैया लोरी
हमार तो मर्जी रहल, लेकिन बाबू का मन नहीं खे, आव हम तू फिर लड़ाई कर जाए, हरा दी हो सोलह आना काम तुहार बनल रही, हार जीवन मन थोड़ के लौटे के पड़ी आवा। कहल कि एक चोट देखली दूसर को चोट देखब आवा, माई दुर्गा के नाम लेके लोरी फिर दोबारा भिड़लन भैल का आल्हा में कि अरे जैसन जैसे चिरैयन पे बाझवा हो झापटेला, माई दुर्गा का नाम लेके लोरी पीछे थोड़ा सा हट के उछल के सीना पर चोट मरलन भीमली चारों खाने चित पटक के चढ़ बैठलन वही सीना पर आ ले के तलवार गर्दन काट ले हलन, एक हाथ में गर्दन ले ले हुन एक हाथ में भीमली का शीर बा। कहलन अपने जवानों से कि प्रवेश कर जाओ राजा बामर के किले में, अब उनकी प्रतिज्ञा टूट कर रहेगी। पूरी फौज के साथ लोरिक राजा बामर के किले में प्रवेश किए, गर्दन दिखलाते हैं और कहते हैं कि पहचानिए आपके बेटे की गर्दन है, प्रतिज्ञा टूटेगी। भीमली के प्रतिज्ञा के अनुसार तुरंत जौन बाबू अंगना में भीमली के खून से चौका पुरावल गई। एक बार लोरी का ऐलान कर देहलन कि आज के बाद से प्रतिबंध हटत बा, ये नगर में जब इच्छा करी जेकर अपनी बेटी बहन के समय से शादी कर सकेला। दूसरा ऐलान करौलन कि भाई ये बारात में दुइये चार लोग विवाहित बान, शेष सब लोग कुमार बा, जेकर जैसे पटे अपनी बेटी बहन के लायक दुल्हा पसंद करके उ शादी कर सकेला चाहे कोनो बिरादरी को हो। कहे का मतलब कि नगर के लोग दौड़ पड़लन अपनी अपनी बहन बिटिया के लायक वर देख के वही मड़वा में एक चौका पर शादी सब कयल। ये 10 रुपए का पुरस्कार प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर दोहरी घाट मऊ आपकी तरफ से बम सुशुभार प्रणाम। तो कहे का मतलब का भाई कि अरे लोर क्लौटा गौरम विजय राही बन के तो सतिया आइली तैया समरू का बियाही बन के, बेटी जवन रहली कुंवारी हो आ बनली सुहागिन बाम लोरिक का बलिहारी हो, तो फिर पता कम बाका शाही बन के सतिया लिते सवरु कभी आही बन राजपुरम श्री स्वामी कहते नरमत बन शैतान दखेल के तू लौट न दे ललता करे गुणगान हो, प्रतिज्ञा माया साला के खोजे कविता कविता शुद्ध परसु के स्वर में ढाला, प्रतिज्ञा वाला साला के खोजे